तो इसमें लोग बात करने वाले आप किस तरह से गूगल के फ़ोन बाय कर सकते हैं, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो। जहाँ पर यानी कि यह फ़ोन ओनली वन आपको अदर कंट्री में देखने के लिए मिल जाएगा, इंडिया में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और इंडिया में इसे किस तरह से मंगा सकते हैं, या ऑन होगा, काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक बिंद्रा बंद, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 को किस तरह से आप बाय कर सकते हैं, इंडिया में मंगा सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप उसे बाय करते हैं तो इंडिया में काम करेगा फिर नहीं करेगा, जहाँ पर क्योंकि यह इंडिया में फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे यूज़र को कन्फ्यूजिंग है। जहाँ पर तो सिंपली बात करते हैं किस तरह से इसे बाय करना है। जहाँ पर तो इसे बाय करने के लिए सिंपली यदि मान लीजिए आप किसी अदर कंट्री पर जहाँ पर यह लॉन्च हुआ है वहाँ से आप बाय करते हैं तो सिंपली आपको बहुत ही ज़्यादा एडिशनल चार्ज देना होगा, जिसकी वजह से जो कि आपका प्राइस होता है बहुत ही हाई हो जाएगा। कम से कम 7-8 हज़ार 10 हज़ार आपको यहाँ पर ट्रैवलिंग चार्ज देना होगा, तब जाकर के ये फ़ोन आपके पास पहुँचेगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए एक अदर मेथड और है, यदि मान लीजिए आपका जो कि कोई रिलेटेड है बाहर रहता है या फिर दूसरे कंट्री में रहता है जहाँ पर यह फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो बात करते हैं यह फ़ोन कितने कंट्रियों में लॉन्च हुआ है। जहाँ पर तो यह फ़ोन 8 कंट्रियों में लॉन्च हुआ है, जिसमें से आपको ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इसके अलावा यहाँ पर ताइवान और यूके, यूएस देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर यदि मान लीजिए इनमें से किसी भी कंट्री में आपके रिलेटेड यहाँ पर रहते हैं तो उनसे आप ये फ़ोन बाय करके मंगवा सकते हैं। यदि मान लीजिए वो आ रहे हैं तो सिंपली ये फ़ोन मंगवाएंगे तो सिंपली उसमें आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और जो कि आपका फ़ोन होता है $599 का, जो कि आपको पिक्सल 6 देखने के लिए मिल जाता है, तो उतना ही प्राइस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो में आपको $899 का देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर तो सिंपली जो कि आपका फ़ोन होता है यदि मान लीजिए आप इंडिया में मंगाते हैं तो वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। यहाँ पर यदि मान लीजिए आप बाय कर लेते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ पर आपको फ़ोन देखने के लिए मिलता है जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। जहाँ पर तो उन स्टोर से यदि मान लीजिए आप इस फ़ोन को बाय करते हैं तो इंडिया में मंगाते हैं तो वह फ़ोन वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। यहाँ पर तो यही कन्फ्यूजिंग है, तो कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए आपको बता दें, यदि मान लीजिए आप इंस्टॉलमेंट में किसी भी फ़ोन को बाय करते हैं, यानी कि जो कि आपका फ़ोन होता है डायरेक्ट वहाँ से बाय करके उस फ़ोन को यहाँ पर मंगा करके ओपन करके ऑन करते हैं, तो सिंपली 100% जो कि आपका फ़ोन होता है वह वर्क नहीं करेगा। जहाँ पर यानी कि काम करना बंद कर देगा, उसमें आपको नेटवर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पर क्योंकि जो कि फ़ोन होता है वह इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ ऑफिशियली, इसीलिए जो कि यह फ़ोन होता है वह ओनली वन उसी कंट्री में काम करेगा। जहाँ पर यदि मान लीजिए उस फ़ोन को आप मंगाते हैं डायरेक्ट जहाँ पर विदाउट ओपन किए हुए, तो सिंपली आपको यह प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। और यदि मान लीजिए आप उस फ़ोन को वहीं पर ओपन करके और किसी भी ऑपरेटर का सिम डाल करके एक्टिव कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर मान लीजिए कितने भी ऑपरेटर होते हैं वहाँ के जो कि नेटवर्क होता है उसको यहाँ पर डाल करके भी एक्टिव कर सकते हैं। जहाँ पर एक्टिव करने के बाद आप उस फ़ोन को यहाँ पर इंडिया में मंगाते हैं तो 100% यहाँ पर वर्क करेगा, काम करेगा और आप उसे यूज भी कर सकते हैं। जहाँ पर यानी कि यदि मान लीजिए कंट्री कोड लगता है तो कंपनी द्वारा आपको यहाँ पर कंट्री कोड देखने के लिए मिल जाएगा, उस फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अनलॉक करने के बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। जहाँ पर तो कन्फ्यूजिंग आपका दूर हो गया होगा, किस तरह से बाय करना है और कैसे आप यहाँ पर इंडिया में फ़ोन मंगा सकते हैं, किस तरह से आपको सस्ता में देखने के लिए मिलेगा और यह फ़ोन किस तरह से वर्क करेगा, क्या कंडीशन है। जहाँ पर तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।